हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। आज फिर से मैं लेके आया हूँ आपके लिए किया की सोनेट जो कि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में आती है और कुछ इस तरह की है इसकी की। की की बात की जाए तो यहाँ से आप इसको लॉक अनलॉक और ये आपका बीच वाला जो बटन है इसको आप होल्ड करके रखेंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप पावर ऑफ कर सकते हैं गाड़ी की। तो कुछ इस तरह की मिलती है। सिंपलिस्टिक सा डिज़ाइन है, काफ़ी क्यूट सी लगती है देखने में, ठीक ठाक। क्रोम का टच इस की में मिलता है आपको। आप बात करते हैं गाड़ी की, तो गाड़ी में आपको कुछ इस तरह का फ्रंट लुक मिलने वाला है। इसमें आपको प्रोजेक्टर बेस हेडलैम्प मिलते हैं हेलोजन में और यहाँ पर नीचे आपको इसके फॉग लैंप मिलेंगे। यहाँ पर ये क्रोम की फिनिश, इधर भी पियानो ब्लैक क्रोम के साथ। इधर आपका इंटीग्रेटेड DRL है इसमें। ये आपका हेडलाइट, ऑटोमेटिक हेडलाइट इसमें मिलती है आपको। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भी आपको बहुत सारा क्रोम का एलिमेंट मिलने वाला है। वॉइस सिग्नेचर, टाइगर नोज ग्रिल किया की। तो कुछ इस तरह का फ्रंट रहता है इसका। और ये यहाँ पर ग्रिल और नीचे ये इसका प्लेट। डिपार्चर एंगल भी काफ़ी ठीक ठाक है इसका। बोनट की बात की जाए तो बोनट का लेआउट कुछ इस तरह दिखता है आपको। यहाँ पर ये इसका नोब क्रीजेस के साथ आपको दिखता है। इधर अगर आएंगे तो आपको यहाँ पर ये वाइपर मिलेंगे, नॉर्मल वाइपर मिलते हैं इसमें आपको। बॉडी कलर्ड ORVM मिलते हैं इसमें और आपको साथ में टर्न इंडिकेटर। डोर हैंडल पर आपको क्रोम मिलेगा कुछ इस तरह से। सिल्वर कलर का इसमें आपको रूफ रेल मिलता है, सिल्वर ब्लैक। और बैक में आएंगे तो यहाँ पर आपको ये कुछ पियानो ब्लैक एलिमेंट इधर भी मिलेगा आपको। रियर में आपको इसमें ये इस तरह का टेल लैम्प मिलेगा इसमें हेलोजन में। और इसका इस तरह पे पीछे से लुक है कुछ। बैक में आपको इसमें डिफोगर मिलता है, वाइपर आपको नहीं मिलता। हाई माउंट स्टॉप लैंप और शार्पिंग एंटीना ऊपर है। नीचे कुछ इस तरह का इसका प्लेट इसमें मिलता है आपको। और ये TGDI के साथ आपको मिलेगा स्पोर्ट में। ये यहाँ पर इसके रिफ्लेक्टर। तो कुछ इस तरह का बैक का लुक है। अभी हम बात करेंगे टायर साइज की। तो टायर सेक्शन में इसमें आपको 215/16 R16 का टायर मिलने वाला है। टायर रेशियो फुल इसका यही है, 95 AH। तो इस तरह के आपको इसमें अलॉय व्हील मिलते हैं, मशीन कट, लिटिल बिट डायमंड और मशीन मिक्सचर टाइप। और ये मैटी फिनिश इसमें कुछ इस तरह का आपको इसमें अलॉय व्हील मिलने वाला है। यहाँ पर ये ब्लैक क्लैडिंग। गाड़ी में अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो इसमें 211 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है, जो कि सम कॉम्पैक्ट SUV के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इंजन ऑप्शन इसमें आपको दो मिलेंगे सोनेट में, 1.5 लीटर का डीजल और 1.2 लीटर का पेट्रोल। फिलहाल हमारे सामने जो वेरिएंट है ये पेट्रोल में है और ये आपको पावर प्रोवाइड कराता है 118 BHP और 172 Nm का टॉर्क इसमें आपको मिलता है। और ये IMT वेरिएंट है, ये IMT की बैचिंग। सोरेंट में आपको टोटल 25 वेरिएंट मिलते हैं। कितनी बड़ी रेंज है कि आप कई बार तो यही समझ में नहीं आता कि आप कौन सा वाला लोगे, लेकिन अलग अलग प्राइस में ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है इसका। यहाँ आप देख सकते हैं SM6 की बैजिंग, स्टिकर पे आपको मिल दिख रहा होगा यहाँ पर। गाड़ी के अगर व्हील बेस की बात करते हैं तो इसमें आपको 25 mm का व्हील बेस मिलता है टोटल, जो कि काफ़ी ठीक है, काफ़ी बड़ा है।
और फ्यूल टैंक गिरा इसका यहाँ पर 45 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इसमें मिलता है। अभी करते हैं इसका बूट ओपन, तो कुछ इस तरह का इसमें आपको बूट रहने वाला है। बूट में आपको लैंप मिलने वाला है साथ में, और बूट काफ़ी थोड़ा सा डीप है। और टायर साइज अगर इसमें आपको बताऊँ मैं स्पेयर व्हील का, तो आपको मिलता है वो 15 इंचिस का, सेम साइज नहीं मिलता है, 195/65/R15। ये यहाँ पर इसका बॉडी कवर, सीट आप 64D स्प्लिट कर सकते हो। कुछ इस तरह का पार्सल ट्रेस में आपको मिलेगा। ये कुशन वगैरह एसेसरीज का पार्ट है, ये आपको अलग से लेना पड़ेगा। सीट की बात करें तो कुछ इस तरह से आप इसको सीटों को फोल्ड कर सकते हैं। बूट की अगर बात की जाए तो 392 लीटर का आपको इसमें बूट स्पीड्स मिलता है, जो कि ठीक है सेगमेंट के हिसाब से। XUV 300 में इससे काफ़ी कम आता है, और ये उसी सेगमेंट में है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी स्पेस मिलता है बूट में। अभी बूट को करते हैं बंद और चलते हैं बैक सीट पे। बैक सीट की बात की जाए, डोर से पहले शुरू करते हैं, तो डोर आपका 80 डिग्री का राउंड इसमें खुलता है। यहाँ पर आपको ये सन ब्लाइंड मिल जाते हैं, मैनुअली आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं सडन डाउन। यहाँ पर पावर विंडो का स्विच, यहाँ पर लेदर स्टिचिंग है आपको मिलेगी, थोड़ा सा कुछ नहीं फील इससे आता है, थोड़ा सा थोड़ा ये ज़्यादा पार्ट नहीं है इसका। यहाँ पर ये सिल्वर टच डोर हैंडल पे। सीट कुछ इस तरह की इसमें आपको मिलती है, एक आप इसको इसमें दो आपको हेडरेस्ट मिलने वाले हैं जो कि एडजस्टेबल हैं, आप इन्हें मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिलता है, और साथ में आर्मरेस्ट में आपको मिलता है कप होल्डर है या नहीं, दो कप होल्डर साथ में इसमें आपको मिलते हैं। सीट इसमें आपको फैब्रिक में मिलती है, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, फैब्रिक से कोई फैब्रिक विद लेदर कुछ साइड में इसमें आपको लेदर की ग्रिपिंग मिलेगी। अभी बैठते हैं गाड़ी के अंदर, डोर को करते हैं बंद। सीट बेल्ट इसमें आपको 3 पॉइंट मिलने वाला है पीछे रियर सीट में, बैक सीट पे दोनों साइड आपको 1 लीटर का बॉटल होल्डर मिलता है। यहाँ पीछे एसी के वेंट मिलेंगे आपको, और एक USB का पोर्ट फ़ोन वगैरह रखने के लिए आपको थोड़ा सा स्टोरेज यहाँ मिलता है। डोर पे आप यहाँ सीट पे आपको डोर पॉकेट मिलेगा, आपको कोड्राइवर साइड में मिल जाता है। यहाँ आपको एक येलो में रीडिंग लाइट मिलती है, दो ग्रैब हैंडल दोनों साइड में मिलने वाला है इसमें, और पीछे से कुछ इस तरह का इंजन आपका, सॉरी कुछ इस तरह का बोनेट है, सॉरी बोनेट बोल रहा हूँ मैं, कुछ इस तरह का केबिन आपको पीछे से लगने वाला है इसमें, फ्रंट केबिन। ये आपका डैशबोर्ड वगैरह यहाँ से कुछ इस तरह का लुक इसमें आता है। लेग रूम की बात की जाए तो काफ़ी ठीक ठाक है, नी रूम भी काफ़ी अच्छा है, और हेड रूम भी काफ़ी इनफ है, ठीक है। तीन लोगों के हिसाब से बात की जाए तो तीन लोगों में थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा, बट दो लोगों के लिए पीछे काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ डोर पर आपको स्पीकर प्लेसमेंट मिलने वाली है, इसमें टोटल 6 स्पीकर आपको मिलते हैं। अभी चलते हैं आगे फ्रंट रो सीट पर। फ्रंट रो के सीट की बात करें तो पहले डोर पे आपको ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, और इधर आपको मिलने वाला है पावर विंडो के स्विच। ORVM को आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, और लॉक अनलॉक का स्विच यहाँ पे मिलता है। इधर आपको सीट के एडजस्टमेंट मिलने वाले हैं, रीच रिक्लाइन और हाइट के लिए मैनुअली। सीट की बात की जाए तो थाई सपोर्ट फ्रंट सीट पे भी काफ़ी आपको अच्छा खासा मिलता है इसमें, और इधर आपको ये इस तरह का कुछ सपोर्ट आपको सीट में देखने को मिलता है। तो अभी चलिए बैठ के देखते हैं गाड़ी में। फ्रंट डोर की बात की जाए तो फ्रंट डोर पे भी आपको वाटर होल्डर मिलने वाला है दोनों साइड में, 1 लीटर की बॉटल, और साथ में इधर आप थोड़ा सा और ये स्पेस है, यहाँ पे भी आप बॉटल रख सकते हैं।
ये इसका ग्लो बॉक्स ठीक है, बट कूल्ड आपको इसमें नहीं मिलता। ये आपका 8 इंच का इसमें टच स्क्रीन मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप इससे अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर इसका ये IMT में ट्रांसमिशन, इसमें आपको क्लच मिलने वाला नहीं है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये यहाँ पर क्लच होता है, क्लच है नहीं, ये डेड पेडल, ब्रेक और एक्सलेटर। इधर आपका 12 वोल्ट का चार्जर, USB के पोर्ट, ये आपका हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर, साथ में यहाँ पर ये आर्मरेस्ट, और आर्मरेस्ट में आपको स्पेस भी काफ़ी ठीक ठाक है। इसमें मगर कोई आपको चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता, आर्मरेस्ट आपका स्लाइड नहीं होता है, तो यहाँ से कुछ इस तरह का आप यहाँ से प्रॉब्लम होगी आपको, ये अगर स्लाइड होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। इधर बात करें तो यहाँ से आपका इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप का स्विच, ट्रैक्शन का कंट्रोल, आपको ये हेडलाइट लेवलर, AC के वेंट कुछ इस तरह से मिलते हैं इसमें आपको। IRVM आपका मैनुअली एडजस्ट मिलेगा इसमें, डे नाइट वाला। इधर आपको मिलता है सनग्लास होल्डर, यहाँ पर ये लाइट के स्विच, कोडेबल साइड आपको वेंटिलेटर मिलेगा, ड्राइवर साइड आपको नहीं मिलता है। इधर आप इसका ये सनरूफ मैनुअली यहाँ से भी कर सकते हैं, और इलेक्ट्री यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। कुछ इस तरह का इसमें आपको एनालॉग मीटर मिलता है, डिजिटल कम्प्लीटली। स्टीयरिंग की बात की जाए तो स्टीयरिंग आपका इसमें टिल्ट होता है, टेलीस्कोपिक आपका इसमें नहीं मिलता है। इधर आपको मिलेंगे वाइपर के कंट्रोल, इधर हेडलाइट के कंट्रोल, स्टीयरिंग में आप इसमें क्रूज कंट्रोल मिलता है, इसमें आपको क्रूज के ऑप्शन यहाँ पर है। इधर है आपका वॉइस कमांड, ये आपका यहाँ से MID कंट्रोल कर सकते हैं, टेलीफोन के कंट्रोल, यहाँ से मूड, और ये इसका आपका इंफोटेनमेंट, इसमें आपको मिलेगा FM। सेटअप में अगर जाते हैं तो आपको साउंड, जनरल, वाईफाई, क्लाइमेट, डिस्प्ले, बटन, ये सभी चीज़ें इसमें मिलती हैं। रिस्पॉन्स इसका काफ़ी ठीक है। तो अभी कर लिया गाड़ी को हमने ऑन, यहाँ पर आपको ये AC के कंट्रोल मिलेंगे, ऑटोमेटिक इसमें आपको क्लाइमेट जोन, आपको AC मिलता है। यहाँ पर आपको हैजार्ड का स्विच, फ्रंट और रियर डिफॉगर। तो अभी करते हैं हम इसका बोनेट ओपन और देखते हैं 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, वो कुछ आपको इस तरह का इसमें इंजन भी मिलता है। इंजन पर यहाँ पर डैम्पिंग, टर्बो GDI, तो कुछ इस तरह का इंजन भी इसमें आपको मिलता है। और अगर इसमें आप बात करते हैं सेफ्टी की, तो इसमें आपको 4 एयरबैग्स मिल जाते हैं, साथ में ब्रेकिंग के लिए ABS, CVT, ब्रेक असिस्ट और हिल होल्ड जैसे फीचर भी आपको इसमें मिलते हैं। तो कुछ इस तरह की थी क्या कि सोनेट TGDI टर्बो पेट्रोल में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।